गिरिडीह लोकसभा से आसू प्रत्याशी चंद्रप्रकाश चौधरी 6 मई को बोकारो में नामांकन दाखिल करेंगे। नामांकन कार्यक्रम को लेकर शनिवार को एनडीए की एक बैठक हुई। कहा जा रहा है कि लगभग 20,000 लोग चंद्रप्रकाश चौधरी के नामांकन में शामिल हो सकते हैं। तो आपको बता दें, गिरिडीह लोकसभा से आसू प्रत्याशी चंद्रप्रकाश चौधरी 6 मई को यानी कि कल बोकारो में नामांकन दाखिल करेंगे। नामांकन कार्यक्रम को लेकर शनिवार को एनडीए की एक बैठक हुई है। कहा जा रहा है कि लगभग 20,000 लोग चंद्रप्रकाश चौधरी के नामांकन में शामिल हो सकते हैं। तो गिरिडीह लोकसभा से आसू प्रत्याशी चंद्रप्रकाश चौधरी 6 मई को बोकारो में नामांकन दाखिल करेंगे। नामांकन कार्यक्रम को लेकर शनिवार को एनडीए की एक बैठक हुई जिसमें तमाम बड़े नेता मौजूद रहे और उसमें प्लानिंग की गई। और वहीं कहा जा रहा है कि 20,000 लोग चंद्रप्रकाश चौधरी के नामांकन में शामिल हो सकते हैं। तो गिरिडीह लोकसभा से आसू प्रत्याशी हैं चंद्रप्रकाश चौधरी, जो कि कल यानी 6 मई को बोकारो में नामांकन दाखिल करेंगे। नामांकन कार्यक्रम को लेकर शनिवार को एनडीए की एक बैठक हुई है। कहा जा रहा है कि लगभग 20,000 लोग चंद्रप्रकाश चौधरी के नामांकन में शामिल हो सकते हैं और गिरिडीह में काफ़ी अच्छी पकड़ भी है और काफ़ी बड़ा चेहरा भी है चंद्रप्रकाश चौधरी, और एक उनकी एक अलग छाप है गिरिडीह के अंदर। और कहा जाता है एक सरल व्यक्तित्व और सरल स्वभाव के व्यक्ति है चंद्रप्रकाश चौधरी, और जो भी वहाँ के जो जनता है, जनता से वो मिलते भी रहते हैं, तो एक सरल स्वभाव के व्यक्ति के रूप में भी चंद्रप्रकाश चौधरी जाने जाते हैं। और आसू से उन्हें प्रत्याशी बनाया गया है चंद्रप्रकाश चौधरी को। 6 मई को बोकारो में नामांकन वो दाखिल करेंगे। नामांकन कार्यक्रम को लेकर शनिवार को एनडीए की एक बैठक हुई थी। बैठक में तमाम तरह की योजनाएं बनाई गई, किस तरह से नामांकन दाखिल किया जाएगा, किस रूट से निकला जाएगा और कौन लोग अंदर जाएंगे। वही कहा जा रहा है कि लगभग 20,000 लोग चंद्रप्रकाश चौधरी के नामांकन में शामिल हो सकते हैं। तो गिरिडीह लोकसभा से आसू प्रत्याशी चंद्रप्रकाश चौधरी 6 मई को बोकारो में नामांकन दाखिल करेंगे। नामांकन कार्यक्रम को लेकर एनडीए की शनिवार को एक बैठक हुई थी जिसमें तमाम बीजेपी के बड़े नेता मौजूद थे, और कहा जा रहा है कि लगभग 20,000 लोग चंद्रप्रकाश चौधरी के नामांकन में शामिल हो सकते हैं। तो 6 मई को चंद्रप्रकाश चौधरी अपना नामांकन करेंगे और इसको लेकर एनडीए की एक बैठक भी हुई और उसमें तय किया गया कि किस तरह से नामांकन किया जाएगा, कौन अंदर जाएगा और पूरी रूपरेखा जो है वो नामांकन को लेकर एनडीए की बैठक में हुई। और कहा जा रहा है कि 20,000 के लगभग लोग जो है उनके नामांकन में शामिल हो सकते हैं। तो नामांकन करेंगे 6 मई को चंद्रप्रकाश चौधरी, यानी कि कल वो नामांकन करेंगे। इसको लेकर तैयारी भी पूरी कर ली गई है। तो गिरिडीह लोकसभा से आसू प्रत्याशी चंद्रप्रकाश चौधरी 6 मई को बोकारो में नामांकन दाखिल करेंगे। नामांकन कार्यक्रम को लेकर शनिवार को मधुबन में एनडीए की बैठक हुई जिसमें मुख्य रूप से मांडू विधानसभा के प्रभारी तिवारी महतो उपस्थित थे। बताया गया कि 6 मई को गिरिडीह विधानसभा से करीब 20,000 लोग एनडीए प्रत्याशी सीपी चौधरी के नामांकन में जाएंगे। बैठक में गिरिडीह विधानसभा से लोगों के नामांकन कार्यक्रम में जाने को लेकर विचार विमर्श किया गया। मौके पर तिवारी महतो ने कहा कि एनडीए प्रत्याशी सीपी चौधरी को लोगों का अपार समर्थन मिल रहा है, निश्चित रूप से इस बार भी गिरिडीह लोकसभा से में एनडीए परचम लहराएगा। बैठक में छक्कन महतो, संजय साहू ये लोग मौजूद रहे। तो हमारे साथ हमारे संवाददाता नमन नवनीत भी जुड़ चुके हैं। नमन, गिरिडीह लोकसभा से आसू प्रत्याशी चंद्रप्रकाश चौधरी 6 मई को नामांकन करेंगे,
कितना खास होने वाला है नामांकन और कितने लोग शामिल होंगे इसको लेकर बाकायदा शनिवार को एक एनडीए की बैठक भी की गई। एनडीए की बैठक प्रकाश चौधरी जी मौजूद भी थे, खुद ही मौजूद थे। उन्होंने कहा कि इसकी तैयारी पूरी कर ली गई है और 6 तारीख को जो नॉमिनेशन होगी उसमें पूर्ण बहुमत के साथ वो नॉमिनेशन भी करेंगे और पूर्ण बहुमत के साथ वो जीत भी दर्ज करेंगे। नमन, तो अब बात की जाए चंद्र प्रकाश चौधरी की, थोड़ी बात कर ले तो चंद्र प्रकाश चौधरी का एक, वो भी एक कद्दावर नेता भी है और काफी सरल स्वभाव के माने जाते हैं, तो क्षेत्र के अंदर बात की जाए तो क्या लग रहा है क्षेत्र के अंदर क्या चल रहा है लोगों के मूड में और मन में क्या चल रहा है चंद्र प्रकाश चौधरी को लेकर? देखिए, उनकी पार्टी की अगर बात की जाए तो उनकी पार्टी के लोग के यही कहना है कि वो 14 के 14 सीटों से जीत दर्ज हासिल करेंगे, लेकिन कुछ विरोधी भाषा भी आ रही है क्योंकि कुछ लोगों का कहना है कि ये नहीं किया, कुछ बहुत लोग कहना है कि वो नजर कम आते हैं शहर में, इसको लेकर बहुत कोई विरोध भी करते हैं, लेकिन और उनके जो सपोर्टर पार्टी है उनकी पूरी सपोर्ट मिल रही है। उन्होंने यही कह कि वो यही कह रहे हैं कि वो यहाँ पे काम किए हैं और आगे भी करते रहेंगे और जीत। नामांकन को लेकर कहा जा रहा है 20,000 लोग शामिल होंगे, तो एक क्या ऐतिहासिक नामांकन बनाने की कोशिश की जा रही है कि ज्यादा से ज्यादा लोग शामिल हो? देखिए जी, देखिए मैं बता दूं कि जब से इनकी इनकी टिकट मिली नॉमिनेशन पर ताबड़तोड़ अपने लोगों से मिल रहे हैं, लोगों के पास जा रहे हैं, उनसे अपने वोट की मांग कर रहे हैं। अब देखने वाली बात होगी कि भीड़ कितनी रहेगी और आगे क्या। ठीक है नमन, बहुत बहुत धन्यवाद हमारे साथ जुड़ने के लिए और तमाम जानकारी साझा करने के लिए। तो आपको बता दें गिरिडीह से लोकसभा से आसू प्रत्याशी चंद्र प्रकाश चौधरी 6 मई को बोकारो में नामांकन दाखिल करेंगे। नामांकन कार्यक्रम को लेकर शनिवार को एनडीए की बैठक हुई, कहा जा रहा है कि लगभग 20,000 लोग चंद्र प्रकाश चौधरी के नामांकन में शामिल हो सकते हैं। 26 वर्षों में 17,000 से अधिक डॉक्टर बना चुका बिहार एवं झारखंड के छात्रों के बीच विश्वसनीय संस्थान गोल। कमाल करते हो जी, बच्चे घूमने की इतनी जिद कर रहे हैं और तुम हो कि तुम्हें फुर्सत ही नहीं मिल रही। अब इतनी गर्मी में जाए तो जाए कहाँ? इस गर्मी में मस्ती और फन का आ गया है परफेक्ट डेस्टिनेशन वाइल्ड वादी, जहाँ है वाटर पार्क, बर्ड पार्क, फ्लावर पार्क, ट्रैम्पलिन पार्क, अम्यूजमेंट पार्क, 250 फीट लंबा जिप लाइन और क्रिकेट स्टिमुलेशन का खूबसूरत नजारा। वाइल्ड वादी 10 माइल चौक रांची। वाइल्ड वादी यानी अनलिमिटेड फन और अनलिमिटेड मस्ती।